माघ मेले के कल्पवासी शिविर में लगी आग, शैयादान के बाद आज कल्पवासी भंडारे का आयोजन, गैस सिलेंडर में लीकेज से लगी आग। पीताम्बरी देवी के दर्शन को आया अखिलेश यादव, को दिखाए गए काले झंडे, कहा बीजेपी ने भेजे गुंडे। जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा के बाद सीएम योगी ने कहा सभी विधानसभाओं में लगेंगे रोजगार मेले। औरैया में संदिग्ध हालत में 10 बंदर मिले मृत, जहर देकर मारने की आशंका, जांच के लिए बिसरा बरेली इंस्टीट्यूट भेजा। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड पहुंचे पीएम मोदी, एनसीसी की वार्षिक रैली को करेंगे संबोधित। पीयूष गोयल का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने का आह्वान, बोले समस्याओं का समाधान करेगा इनोवेशन। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का बदला गया नाम, अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। यरूशलेम में इजरायली छापे में 9 लोगों की मौत का बदला, फिलिस्तीन में मना जश्न। 2025 में छिड़ेगा चीन से भयंकर युद्ध, अमेरिकी वायुसेना के जनरल ने किया बड़ा दावा। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर शुरू हुआ विमानों का संचालन, करीब 2.5 घंटे फंसे रहे यात्री। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइट।